खबर जनपद बाराबंकी से है, जहां जिलाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन के प्रभावी अनुपालन में जुम्मे की नमाज घर में अदा करने के संबंध में की गई अपील। नमस्कार, मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जैसा सहयोग आपका कल मिला और आज मिला, ऐसे ही आगे जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें भी मिलता रहे। कल शुक्रवार है, हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं। मैं उनसे विशेष रूप से अपील करना चाहता हूं, उनके धर्म गुरुओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़ें और घर में भी नमाज पढ़ते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति मस्जिद में न जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के जाने से फिर काफ़ी लोग वहाँ जमा होंगे और वहाँ पर उनको नियंत्रित करना कठिन होगा धर्मगुरुओं के लिए। इसलिए आज से ही ये सोशल मीडिया पर अपील जारी कर दें। मुस्लिम समुदाय के कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों ने ये अपील जारी भी की है सोशल मीडिया पर, जिसका अनुपालन करना अपेक्षित है। मैं अन्य सभी समुदाय के लोगों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने घरों में रहकर धर्म के अनुसार अपने जो पूजा या इबादत के तरीके हैं उनका पालन करें, घरों से बाहर अनावश्यक रूप से न जाएं। पूरे जनपद में प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके कर्मी लगातार आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति ने मंडी से फल और सब्जी की डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था की है। आपके मोहल्लों में बराबर ठेले जा रहे हैं, दूध की सप्लाई हो रही है, राशन की सप्लाई हो रही है, आपको कोई भी कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। आकस्मिकता की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय ने कुछ अधिकारियों को अधिकृत किया है, जिनसे संपर्क करके आप अपने वाहन का पास या स्वयं जाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हम पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस दौरान आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आप घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। धन्यवाद। बाराबंकी में एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ, दूसरी तरफ कचरा फैक्ट्री निकलते धुएं से फैल रही बीमारी। बाराबंकी से लगभग 4 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर बंकी चिल्हटा घाट के पास चल रही कचरा फैक्ट्री के धुएं से लोगों में फैल रही बीमारी, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कई बार बंद करवाने के लिए भारतीय किसान यूनियन एवं मीडिया कर्मी काफी प्रयास कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ, दूसरी तरफ इस कचरा फैक्ट्री से लोग परेशान हो चुके हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो बीमारियों से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस कचरा फैक्ट्री पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं।